वेलकम बैक टू हीलिंग विद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आयुर्वेद को लेकर आप अभी भी बहुत ज़्यादा गलतफहमी के शिकार हैं। आपको ये लगता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं तो हर किसी के लिए सेफ है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं, तो आप हर किसी को देने लगते हैं, खुद यूज़ करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमने वीडियो देख लिया, दवाइयाँ मंगवा ली और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब आप इस तरीके की गलती करते हैं तो आपको तीन तरीके के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो ये कि आपकी बीमारी में कोई सुधार नहीं होता है, और दूसरा ये कि आपकी बीमारी वैसी की वैसी बनी रहती है और अलग तरीके के ही कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और तीसरा ये होता है कि आपकी बीमारी बढ़ जाती है, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी बढ़ जाती है। यहाँ गलती आप करते हैं, क्योंकि आप व्यूअर्स हैं, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो सोर्स कितना ऑथेंटिक है। आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, लेने के बाद आप डायरेक्ट उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको करना ये चाहिए कि वीडियोस से सिर्फ इन्फॉर्मेशन लीजिए, ये समझिए कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ इन इन बीमारियों में भी काम करती हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपको आयुर्वेद हेल्प कर सकता है। आप इस चीज़ को बस समझिए वहाँ वीडियो देखकर। उसके बाद आपको ये करना है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर आपकी कंडीशन वैसी है जिसका आपने इलाज वीडियो पर देखा है। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, वहाँ हिस्ट्री आपकी ली जाएगी, आपका प्रॉपर चेकअप किया जाएगा, आपकी नाड़ी देखी जाएगी, आपके शरीर की रचना देखी जाएगी, आपके शरीर की प्रकृति चेक की जाएगी, अकॉर्डिंगली आपको दवाइयाँ तब दी जाएंगी। आयुर्वेद में चिकित्सा व्यवस्था इतनी सरल नहीं जितना आमतौर पर लोगों को लगता है। आयुर्वेद चिकित्सक के पास जब रोगी जाता है तो उसे सबसे पहले उस रोगी के शरीर की प्रकृति देखनी होती है, जिसे हम प्रकृति परीक्षण कहते हैं, जो कि वातज पित्तज और कफ जिस प्रकार से होती है त्रिदोषों पर डिपेंड करती है, क्योंकि उन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। ये समझने के लिए बहुत ही केयरफुली और बहुत ही माइन्यूटली देखना होता है, सुनना होता है मरीज को, देखना होता है कि वो दिखता कैसा है, यानी कि उसके बाल, नाखून, आंख, त्वचा, डाइजेस्टिव पार, उम्र, शरीर का गठन यानी कि स्ट्रक्चर, उसके शरीर का बल कैसा है। उसके बाद नाड़ी परीक्षण किया जाता है और पता लगाया जाता है उसकी गति से, उसकी बीट से, कि शरीर में कौन से दोष बढ़े हुए हैं। उसके बाद समझना होता है कि वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, बोल कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, मतलब ये पूरी प्रक्रिया एक सूक्ष्म एनालिसिस है जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति में कौन से दोष बढ़े हुए हैं, और उसके बाद दवा दी जाती है। खाने पीने की व्यवस्था बताई जाती है, परहेज़ और व्यायाम सब बताया जाता है। एक मरीज़ को आप 5 मिनट में नहीं निपटा सकते हैं, तो सोचिए इतना इलैबोरेट डायग्नोसिस आपको और कौन सी चिकित्सा व्यवस्था देती है। आप वहाँ जाके क्वेरी कर सकते हैं कि वीडियो में मैंने अपनी इस कंप्लेन की ये दवाई देखी है, क्या ये हमारे लिए यूज़फुल है। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको वो दवाइयाँ लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि आयुर्वेद की दवाइयाँ सेफ होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन वो तब होता है जब आपको वो दवाइयाँ आपके प्रकृति के अनुसार दी जाए। हर किसी के लिए हर दवाइयाँ आयुर्वेद की सेफ नहीं होती हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझिए। आज के इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की है कि आपको ये ज़रूर बताऊं कि हम जो डॉक्टर्स होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, हम जब वीडियोस बनाते हैं तो वो इस वजह से बनाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आयुर्वेद में किन किन रोगों का इलाज है। मैक्सिमम रोग ऐसे होते हैं जिनका आपको आयुर्वेद में ट्रीटमेंट मिल सकता है। वीडियोस देख के ट्रीटमेंट को हम बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करते हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर भी आप सभी के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा देती हूँ। अगर आपको कोई बीमारी है जिसके बारे में आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर कंसल्टेशन लेना, तो आपको कमेंट करना है, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन मुझसे लेकर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपना इलाज करवा सकते हैं। वीडियोस देखकर, मेरी बताई हुई दवाइयाँ लेकर या किसी की भी बताई हुई दवाइयाँ लेकर यूज़ करने लगना, ये कहीं से भी अकलमंदी नहीं है। और उसके बाद आप ब्लेम करना शुरू करते हैं आयुर्वेद को, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, आयुर्वेद की मेडिसिंस को, जबकि इसका कोई बेस नहीं है। गलती आप कर रहे हैं, आपको ज़रूर चेक करना चाहिए इन्फॉर्मेशन का सोर्स कितना ऑथेंटिक है। उसके बाद अपनी जानकारी बढ़ाइए सिर्फ इन वीडियोस को देखकर। सेल्फ ट्रीटमेंट करना बिल्कुल भी मत शुरू कीजिए। आज का ये वीडियो मैंने इसी वजह से बनाया है क्योंकि कई सारे वीडियोस पे मेरे इस तरीके के कमेंट आते हैं कि मैम क्या मैं ये दवाई ले सकती हूँ।
जब मैंने आपको देखा ही नहीं, मेरी आपसे बात हुई ही नहीं, मैं आपकी कंप्लेन को जान ही नहीं रही हूँ, मैं आपकी हिस्ट्री को नहीं जान रही हूँ, मेडिकल हिस्ट्री को नहीं जान रही हूँ, तो मैं कैसे आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि आप फलानी दवाई लेना शुरू कर दें। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, या किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के बारे में जिसके बारे में आप जानते हो, आप उसके पास जाकर इलाज करवा सकते हैं। वीडियोस देखकर सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी हम डॉक्टर्स इंकरेज नहीं करते हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। आज का ये वीडियो सिर्फ यही जानकारी देने के लिए था कि आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें, कोई भी वीडियो देखकर सेल्फ मेडिकेशन उस दवाई से शुरू बिल्कुल भी नहीं करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में बताई हुई छोटी सी बात आपको सही रास्ता दिखा सके, आप अपने आप को हेल्दी रख सके, सही निर्णय ले सके अपने हेल्थ के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ, जुड़ते हैं आयुर्वेद से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।